हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ जिस क्लस्टर की हमने पहले ड्राइव कर ली है और उसका हम पोस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे इजी तरीका क्या है कि जो रूट हमने कर लिए हैं उनका जो कवरेज था, ठीक है, कवरेज के अकॉर्डिंग अगर हम टैब फाइल बना लेते हैं तो हमें पोस्ट ड्राइव करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। वो कैसे, देखिए, जैसे आप देख रहे हैं जहाँ पर हमारा कवरेज अच्छा है वहाँ पर हम उस टैब फाइल को वही कलर दे दें, और जहाँ पर हमारा कवरेज खराब है वहाँ पर टैब फाइल में वही कलर दे दें। कैसे, देखें यहाँ पे जैसे कवरेज हमारा एवरेज आ रहा है येलो कलर का, तो हम अपनी टैब फाइल में भी येलो कलर दे दें। यहाँ पे हमारा रेड आ रहा है, जैसा कवरेज है रेड, ठीक है, तो यहाँ पे रेड कलर दे दें। इससे फायदा क्या होगा, जब हम ड्राइव टेस्ट करेंगे तो जब हम जैसे यहाँ से ड्राइव टेस्ट करते आ रहे हैं तो हम पहले ही अवेयर हो जाएंगे कि हमारा यहाँ पे प्री ड्राइव में जो हमारा कवरेज था खराब था, तो इसलिए हम यहाँ पे न्यू लॉग फाइल स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक हमारा कवरेज खराब था वहाँ तक उसे चलने देंगे, और जैसे ही एक खत्म होगा हम अपनी लॉग फाइल को वहाँ पे पोस्ट कर देंगे। पोस्ट करने के बाद हम अपनी इस लॉग फाइल को प्ले करके देख सकते हैं कि जो हमारा पहले कवरेज था वो और आपका जो कवरेज है उसमें कुछ डिफरेंस आया है या नहीं आया है। अगर हम पूरे क्लस्टर के ड्राइव करने के बाद ये चेक करते हैं कि हमारा कवरेज ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, यानी इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। उसके लिए हमें फिर एक एक लॉग फाइल चेक करके प्ले करके देखनी पड़ती है। इसमें हमारा टाइम भी बचेगा और ये भी नहीं होगा कि अगर हमने पूरा क्लस्टर कर लिया है और हम कहीं दूर जाके खड़े हैं तब जाके चेक कर रहे हैं, चेक करने के बाद फिर हम उसी लोकेशन पर आएंगे उसे दोबारा ड्राइव करने के लिए, हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। इससे अच्छा है कि हम एक कलर टैब फाइल बना लें पहले ही, जिससे हमें पहले ही पता चल जाए उस लोकेशन पर पहुँचने से पहले ही कि हमारा कवरेज यहाँ पर पहले ख़राब था। तो चलिए उसी के अकॉर्डिंग मैं आज आपको टैब फाइल बना के दिखा देता हूँ। देखिए, टैब फाइल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे एडिटिंग, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे देख रहे होंगे एडिटिंग, एडिटिंग में राइट क्लिक करना है और आपको कॉस्मेटिक लेयर सेलेक्ट कर लेना है। क्या सेलेक्ट करना है, कॉस्मेटिक लेयर, ठीक है। कॉस्मेटिक लेयर सेलेक्ट करने के बाद आपको वेट करना है, जब तक यहाँ पे कॉस्मेटिक लेयर लिखा ना आ जाए, जैसे यहाँ पे रेलवे लिख रहा है क्योंकि मैंने ये पहले सेलेक्ट किया हुआ है, जब तक कॉस्मेटिक लेयर सेलेक्ट लिखा हुआ ना आ जाए तो आपको वेट करना है। देखिए, ये कॉस्मेटिक लेयर लिखा आ गया है, अब क्या है, आप टैब फाइल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा जाए उसके बाद आप इस पर जाएंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे लाइन, लाइन पर जाएंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ पर भी आपका प्री ड्राइव हो रहा है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। देखिए, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ तक, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये आपको ब्लैक कलर की दिखाई देगी, ये मैंने पहले टैब फाइल बनाई हुई है इसलिए रेड कलर की दिखाई दे रही है, ब्लैक कलर की दिखाई देगी। उसके बाद आप कहाँ पे जाएंगे, इस कर्सर पर जिसका नाम है सेलेक्ट, सेलेक्ट को इसे एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, जो आपने लाइन खींची है उस पर क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक जैसे ही आप करेंगे आपके सामने स्टाइल आएगा, स्टाइल में एक क्रॉस का साइन बना होगा, इस पर डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद कलर सेलेक्ट करने के लिए आएगा, यहाँ से कलर सेलेक्ट कीजिए, आपने जहाँ पे भी लाइन खींची थी वहाँ की जो आपकी ड्राइव थी वो कैसी थी, डार्क ग्रीन, ठीक है। और इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी आपकी जो टैब फाइल होगी वो कितने पिक्सल की बनाना चाहते हैं उस तरीके से आप रख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ग्रीन कर लिया है। अब जहाँ जहाँ भी आपका कवरेज डार्क ग्रीन है वहाँ वहाँ आपको डार्क ग्रीन टैब फाइल बना लेनी है, ठीक है। कर्सर सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको कलर दे दिया, उसके बाद फिर से लाइन पे जाएंगे और फिर से जहाँ तक आपने टैब खींच दिया उसके बाद जहाँ जहाँ आपका ग्रीन कलर का टैब बनी हुई है वहाँ तक ग्रीन कर लेंगे। लेफ्ट की दबा के रखें और अपने लैपटॉप के फिंगर से उसे मूव करते रहें, लेफ्ट की आपको प्रेस करनी है, प्रेस करके रखें, उसे छोड़े ना, ठीक है। अब मैं इधर चलता हूँ, देखिए अभी तक मैं ग्रीन करे जा रहा हूँ, अब मैं आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा, ये अभी ग्रीन ही है, मैं यहाँ पर आऊँगा तो देखिए यहाँ पे येलो है, लेकिन मैंने जो अपनी ये
लाइन खींची है वो किस कलर की, ग्रीन। तो इसे येलो करने के लिए क्या करेंगे, मैं फिर से सेलेक्ट पे जाऊंगा। सेलेक्ट पे जाने के बाद इसे डबल क्लिक करूंगा, उसी लाइन पर अगर डबल क्लिक करूंगा और स्टाइल में जाऊंगा, स्टाइल पे क्लिक करूंगा और यहाँ से अपना येलो कलर सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, येलो कलर सेलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करूंगा, देन ओके पर क्लिक करूंगा। अब आप देखिए जो मेरी लाइन थी वो कैसी होगी, येलो। ठीक, फिर से आप लाइन पे जाएंगे, लाइन पे जाने के बाद आपका जहाँ तक कवरेज येलो है यानी एवरेज है वहाँ तक येलो कर देंगे। ठीक है, अब आप रेड पर भी येलो कर दीजिए। देखिए आपकी रेड पर टैप फाइल कैसी बनेगी, येलो। अब इसे रेड करने के लिए आप क्या करेंगे, कर्सर पर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और इसे कलर दे देंगे। ठीक है, कलर कैसा देना है, रेड, ओके कर देना है। देखिए आपकी टैप फाइल का कलर रेड हो गया है, वो आपको बाद में दिखाई देगा जब आप पूरी टैप फाइल बना लेंगे। अब फिर से लाइन पे जाएंगे, अब फिर से जहाँ पे आप छोड़ते हैं वहीं से आगे बढ़िएगा। देखिए अभी रेड दिखाई देगा, अब आपको क्या करना है, ग्रीन करना है। ठीक है, तो ग्रीन करने के लिए आप फिर से कर्सर पे जाइए, यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए। सिर्फ एक बार आपको प्रॉब्लम होगी बनाने में, उसके बाद आप फटाफट बनाते जाएंगे। ठीक है, ग्रीन सेलेक्ट करा, ओके कर दिया, फिर से ओके कर दिया। ठीक है, अब आप इसे फिर से लाइन पे जाइए, लाइन पे जाइए, आप इधर ले आइए। ठीक है, इसे आप इधर ले आइए। देखिए ये ग्रीन आ रहा है, फिर कर्सर सेलेक्ट कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, इसे आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। आपको क्या कलर देना है, इसे येलो कलर देना है, कलर दिया, ओके करा, ओके करा। ठीक है, उसके बाद फिर से लाइन सेलेक्ट कीजिए, लाइन सेलेक्ट करने के बाद आप फिर से इसे जहाँ पे छोड़ा था वहीं पर जाइए। ठीक है, इस तरीके से आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ये येलो कलर है, कर्सर पे जाइए, डबल क्लिक कीजिए, इसे ग्रीन कर लीजिए। ठीक है, ग्रीन कर लीजिए, ग्रीन का मतलब है आपका जो कवरेज आया वो बहुत अच्छा आया है। ठीक, फिर से लाइन पे जाइए, फिर आप जहाँ जहाँ पर भी, या तो आप ऐसे कर सकते हैं जहाँ जहाँ पर आपका पहले ग्रीन है, कवरेज अच्छा है, वहाँ वहाँ ग्रीन कर लीजिए। उसके बाद जहाँ जहाँ खराब है आप वहाँ वहाँ उसी कलर की कर लीजिए। देखिए मैं आप क्या करूँगा, जहाँ जहाँ पर मेरा अच्छा है मैं पहले उसे कर लूँगा, क्योंकि मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो तो जहाँ जहाँ पर आपका अच्छा है पहले वहाँ पर ग्रीन कलर की टैप फाइल बना लीजिए। ऐसे ही बनाते जाइए। ठीक है, आपको जहाँ तक आपका कवरेज अच्छा आ रहा है आपको वहाँ तक ग्रीन कलर की टैप फाइल बनाते जाइए। यहाँ पे भी अच्छा है मेरा कवरेज, ये यहाँ पे भी अच्छा था। अब मुझे क्या करना है, मेरा येलो रह रहा है। ठीक है, येलो जहाँ पे रह रहा है मुझे वो करना है, तो मैं पहले थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ, ये मेरा ग्रीन है यहाँ, अब मैं इसे यहाँ पर कर लेता हूँ येलो पर। ठीक है, मैंने येलो पे ग्रीन कर लिया है, फिर कर्सर पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा, डबल क्लिक इस पर करूँगा, फिर इसे येलो कलर कर दूँगा। ठीक है, येलो ये कर दिया मैंने येलो कलर। ठीक, अब मेरा जो ये होगा येलो कलर हो गया है, फिर से लाइन सेलेक्ट करूँगा, लाइन सेलेक्ट करने के बाद अब मेरा जहाँ जहाँ पर येलो है मैं उस पर लाइन ड्रॉ कर दूँगा। मेरा यहाँ पे येलो था, मैं इसे यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मेरा इधर येलो है, यहाँ से यहाँ था, मैं इसके लिए लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इसी तरीके से आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं सारे। यहाँ पे मेरा येलो था, मैं यहाँ पे इसे यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब रह गया मेरा रेड, अब मुझे क्या करना है, यहाँ रेड हो गया था, ये रेड रह रहा है, अब इस रेड पे भी मैं लाइन कर देता हूँ येलो। ठीक है, फिर कर्सर पे जाऊँगा, सेलेक्ट करूँगा और इसे रेड कर दूँगा। ठीक है, क्या कर दूँगा मैं इसे, रेड कर दूँगा। रेड करने के बाद जो मेरी येलो लाइन थी वो कैसे हो जाएगी, रेड। फिर से आप लाइन पे जाएंगे, जो आपका अगला रेड है यहाँ पे मेरा कवरेज बिल्कुल ख़राब है, मैं वहाँ पे भी रेड कलर की लाइन खींच दूँगा। अब मेरा क्या हुआ है, जितनी भी मेरी ये प्री ड्राइव थी उसका क्या है, मैंने टैप फाइल बना लिया है, तो मैं क्या करूँगा, इस ड्राइव को जो मेरा ड्राइव का एक्सपोर्ट है उसे हटा दूँगा। वो कैसे हटेगा, देखिए यहाँ पे जो मेरा एक्सपोर्ट था मैं उसे क्या करूँगा, डिस्कार्ड कर दूँगा, यहाँ से डिस्कार्ड। ठीक,
ये टाइम लेगा कुछ। देखिए मेरा जो कवरेज था वो डिस्कार्ड हो गया, अब मैं अपना एक्सपोर्ट भी डिस्कार्ड कर देता हूँ यहाँ से, मेरा एक्सपोर्ट भी डिस्कार्ड कर देता हूँ। देखिए अब जो मेरी टैब है सिर्फ वो ही दिख रही होगी आपको भी, जो मेरी टैब फाइल है सिर्फ वो ही दिखाई दे रही होगी। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैप में जाऊँगा, मैप में जाने के बाद यहाँ पे सेव कॉस्मेटिक ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा, ठीक है। सेव कॉस्मेटिक ऑब्जेक्ट के बाद ये आएगा, इस पर सेव पे क्लिक करूँगा। सेव पे क्लिक करने के बाद आप इसे जहाँ भी चाहें वहाँ सेव कर सकते हैं, ठीक है, जिस भी फोल्डर में चाहें, जिस भी स्टोरेज में चाहें आप इसे सेव कर सकते हैं। जैसे मेरी ड्राइव में सेव कर देता हूँ, यहीं पे नाम दे देता हूँ इसे कलर्ड, टैब, आप लोकेशन या क्लस्टर के नाम से भी दे सकते हैं, मैंने सिर्फ कलर टैब नेम दे दिया इसे, ठीक है। इस तरीके से आप अगर अपने प्री ड्राइव की टैब फाइल बना लेते हैं तो उससे आपको आसानी हो जाएगी आपको पोस्ट ड्राइव करने में, क्योंकि आपको पता भी रहेगा हमारा पहले कवरेज कहाँ पे ख़राब था या साइनर कहाँ ख़राब था, क्वालिटी कहाँ पे ख़राब थी। उस तरीके से आप अपनी जो पोस्ट ड्राइव होगी उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसमें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, ज़्यादा दिन भी नहीं लगेंगे, आपका खर्चा भी कम आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर ये आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।